हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस में नई जान फूंकी है। भले ही पार्टी जीत ना दर्ज कर सकी हो, लेकिन अच्छे प्रदर्शन से नेताओं का हौसला बढ़ा है और इसी जोश के साथ अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मिशन उत्तर प्रदेश के लिए कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने देश के सबसे बड़े सूबे में कांग्रेस का कब्जा जमाने के लिए ऐसा प्लान बनाया है जो बीजेपी की परेशानी बढ़ाएगा। राष्ट्रवाद के सहारे अपनी सियासी नैया पार लगाने वाली बीजेपी को मात देने के लिए अब कांग्रेस पार्टी ने भी उसी के खेल को अपना लिया है। बीजेपी की रणनीति को अपनाकर कांग्रेस ने अब वो मांग कर दी है जिससे पार्टी की परेशानी बढ़ाई जा सके। इसलिए तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, जिसमे स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को भारत रत्न देने की मांग की गई है। उन्होंने ये भी आग्रह किया है कि मोहाली स्थित हवाई अड्डे का नाम शहीद आजम भगत सिंह हवाई अड्डा किया जाए। तिवारी ने कहा कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ जो प्रतिशोध किया उससे देशभक्तों की पूरी एक पीढ़ी प्रेरित हुई और वहीं इन सेनानियों ने 23 मार्च 1931 को सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की कि 26 जनवरी 2020 को इन तीनों सेनानियों को भारत रत्न दिया जाए, इनको आधिकारिक रूप से शहीद आजम घोषित किया जाए। आपको बता दें कि बीजेपी की राजनीति हमेशा से ही राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के इर्द गिर्द घूमती आई है। 2019 का लोकसभा चुनाव हो या फिर इसके बाद हुए विधानसभा चुनाव, दोनों ही चुनाव में भगवा पार्टी ने राष्ट्रवाद को जमकर भुनाया। लोकसभा चुनाव में जहां पुलवामा मामले के बहाने सियासी दांव खेला, तो वहीं महाराष्ट्र में मराठाओं को रिझाने के लिए वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की, जिसका फायदा बीजेपी को मिला भी। लेकिन अब कांग्रेस भी राष्ट्रवाद के बहाने अपनी राजनीति को चमकाने की रणनीति तैयार कर रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।